बंदा लो उसको और तेज से। बंदो उसको और तेज से। नाक में खांदों पे पीठ पे लगाओ, जकड़ लो उसको और तेज से। जकड़ो उसको और तेजी से। कब से कर रहा है परेशान था? दो साल हो गया। क्या होता दस बंजे से गए साल गए साल तो मर गए बोल के छोड़ दे कैसा दस बंजे थे बोले अभी भी रास्ते जाते आते बहुत तकलीफ तू क्या बिगाड़ने वाला है तेरे बेटी को इतना ले जाने वाला हूँ बोला कुछ नहीं बिगाड़ सकता बड़ा मेरा कहाँ पर भी लिया बड़ा और आज इससे पहले थोड़ा थोड़ा होता था ज्यादा बड़ा था। क्या बोला नाम वामा कुछ बोला नाम वो एक पड़ोसी रिश्तेदार में जिनका उनका नाम ज्यादा बड़ा है फकीर नाम है उसका। इनके हजरत ने हमारे नाना ने इनको कुछ तो बोले थे शायद के तो उन्होंने बोला तेरे बेटी को कुछ ले जाने वाला हूँ एक ना एक दिन तुम खेत के बहुत पत्ता ना बोला। कितने साल से हो रही ये दो साल से ज्यादा बढ़ रहा हूँ पहले कम था अभी दो साल साल को गए साल कम होगा था ये साल और बढ़ गया। आपके कौन है उन्हें हमारा खाला है कोई नहीं है छोड़ के दिया जो खेत में मेहनत करते जंजीरा वालों को उसको जकड़ लो जंजीरा डाल के तेजी से और उसको खूब मारो उसको मारने की तैयारी करो नाला है अंदर से उसको मार मार के चिल्लिया करके बाहर निकालो उसको। जलाओ उसके अंदर से आंख लगाओ तेजी जकड़ लो उसको जलाओ उसको और तेज से आग लगाओ जकड़ लो अंदर से तेज जकड़ के जलाओ उसको। जकड़ो उसको और तेज से। जलाओ उसके अंदर से आग लगाओ तेज से।
यहाँ जलाओ उसको और तेज से। अब उसके पेट में से भी आग लगेंगे, जकड़ लो उसको तेज से, लगा पूरी ताकत तेरी कितनी है तो जोर से और जोर से और जोर से। लगा पूरी ताकत लगा, पिलाओ उसको पानी से, पेट में से आग लगाओ जकड़ के तेज के साथ में। अब जलाओ उसके पेट में से भी जलाओ। जकड़ो उसको और तेज, अब जलाओ उसके पेट में से तेज से आग लगाओ। हाँ जलाओ उसके पेट में और तेज से आग लगा दो। हाँ जलाओ जलाओ अंदर से और तेज से आग लगाओ। लगा अब तेरी कितनी ताकत है पूरी लगा, जलाओ उसके पेट में नाला के तेज से आग लगाते रहो। जलाओ जरा इसको तेज एक साथ में, अब जलाते रहो उसको नालायक को। मारो उसको तेज से, उसके अंदर आग लगाओ तेज से जकड़ के। बता रहे कितनी ताकत है तेरी, अब मेरे को बता जल्दी। हाँ चल बता जल्दी पूरी ताकत बता तेरी कितनी है तो। हाँ जकड़ो उसको और तेज से, पूरी ताकत लगा तेरी कितनी है, पूरी लगा जल्दी। और जोर से, और जोर से, हाँ जोर से जकड़ो उसको, मारो उसको। कब मारने वाला था मुझे, जोर से क्या बोला, जोर से बोल, जकड़ो उसको तेज जोर चलाओ अंदर से। नहीं जाता, 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 नहीं आ रहा मुझे, जोर से बोल जाता। कितने साल से परेशान कर रहा था, कितने साल से परेशान कर रहा था। हाँ जोर से, अरे ये तो बहुत दिन का है ये। हाँ जल्दी बोलना, तो काट के खत्म कर दूंगा। बहुत दिन का है। कहाँ से लाए थे, शमशान से, कब्रिस्तान से? सही सही जवाब जल्दी। ये तो एक रूहानी ताकत है, एक जादू। किसने चलाया था उस पे? गुजरुगाना। कौन ताकत है? साई बोल, नहीं तो पूरा मार के भस्म कर दूंगा। ये तो मेरे मेरे जकड़ो उसको तेज से, जलाओ मुझे उसके हाथों में काट के।
छोड़ू क्या नहीं छोड़ू तेरे को अब बोल बहुत मनमाना कर रहा है कितने जनों को मारा अभी तक कितने लोगों को मारा मारा किसी को नहीं हाँ लेकिन इसको ले जाना चाहता अच्छा कब कब मैं तो इसको तड़पा के ले जाना चाहता अच्छा तो कैसा ले जाना चाहता अम्मास में पुण्य में ऐसा ही मार के लिपटे ये तो बीमारी में तड़पती रहेगी तू तड़पा रहा था उसको तू तड़पा रहा था ये तो तड़पते रहेगी और दुनिया देखते रहेगी छोड़ दे भाई माफी चाहता छोड़ दे भाई माफी चाहता मैं इसको कभी नहीं सताऊंगा छोड़ दे भाई तुझे माफी मांगता मैं छोड़ दे मैं इसी को कभी नहीं सताऊंगा छोड़ दे शमशान से नहीं ये तो मेरे बाप के घर की कहावत है तेरी अनु उसकी क्या दुश्मनी थी क्या नाम है पेशेंट का नाजिमा भी की और तेरी क्या दुश्मनी थी पता नहीं पता गया तू बाप से क्या दुश्मनी अच्छा नाजिमा भी के बाप से और तेरी क्या दुश्मनी थी जल्दी बोल बताता सौर नाले हाँ जल्दी बोल बताता हाँ क्या दुश्मनी थी बताता हाँ जल्दी बता उसने क्या दुश्मनी थी क्या दुश्मनी थी नाजिमा भी के क्या नाम है इनका नाजिमा भी के मार बाप की और तेरी क्या दुश्मनी थी छोड़ना नहीं छोड़ना तुझे छोड़ना हाँ फिर नाम छोड़ना। बता ना नाम बता मैं उसके भाई हूँ मैं उसके बाप का भाई हूँ मेरा नाम फकीर है उसने किया है क्या ले गए थे बच्ची का जादू चलाते वक्त पता नहीं कपड़ा बाल मट्टी क्या लिए थे पता नहीं करीना दोबारा परेशान नहीं दवा वा कभी मिला खिलाए थे नहीं बच्ची को दवा कभी खिलाए थे दवा कहाँ से आके अटकी आई पेट में उसके वो दवा कहाँ से आके अटकी आई उसके पेट में वो नहीं घर में और कितने लोगों को मारा कितों को मारने वाला है क्या क्या बीमारियां डाला किस किस के ऊपर बीमारियां डाला इस घर में पूरे अभी पूरे बीमार तबियत में उनको क्या रास्ते ऐसा होगा आप तो अरे पूरे घर में उसकी बीमारियां कर रहा था बोल और आप तो उसके बाप को हाँ क्या उसके बाप को बीमार कराया कभी ना बीमार होने वाला मैंने कराया क्या करने वाला तो बीमारी डाल के मारने वाला था उसको ये तो वक्त बताएगा क्या बताएगा वक्त उससे पहले मैं बताऊं देखूं बोल
जलाओ उसके हाथों में तेज से आग लगावाओ। भड़काओ और दोनों हाथों में तेज से आग भड़काओ उसके हाथों में, दोनों हाथों में तेज से आग भड़काओ। वो तो बहुत करने वाला है, वो तो बहुत करने वाला है। जमीन जायदाद की खेत की गई थी दुश्मनी, वो तो करके खाने वाला है। गई की दुश्मनी ऐसी क्यों परेशान कर रहा था? मारो उसको और मारो उसके दोनों हाथों में आग लगाओ, जकड़ लो उसके हाथों को तेज से, जकड़ो उसके दोनों हाथों को और तेज से। काई की दुश्मनी जलाओ उसको नाला कुत्ते से। हाँ काई की दुश्मनी थी काई की दुश्मनी। हाँ जल्दी बोलने तो पूरा मार मार के भस्म करता हूँ। हाँ काई की दुश्मनी थी वो बोल दिया ना, ये बोल दिया ना, दुश्मनी नहीं बोला तूने, दुश्मनी नहीं बोला तूने। यहाँ तेरी अय्यारी तेरी चालबाजी मक्कारी यहाँ चलती नहीं, यहाँ किसकी दाल निकलने देता मई कमी है, यहाँ सही से बोलना पड़ता, मैं तो पूरा मार के जमीन में भस्म करा दूंगा गाड़ के। जल्दी बोल क्या दुश्मनी थी। हाँ चलाओ उसको और तेज से। क्या पूछा मैं जवाब जल्दी। हाँ काई की दुश्मनी थी, काई की दुश्मनी थी, कहाँ भड़ रहा उठा मुंडी ऊपर तेरा फिर काट के पसंद करता पूरा। हाँ क्या दुश्मनी थी? अच्छा तेको बोले उन्होंने दुश्मनी मत बोल बोल के, कसमा डाले तेको, अरे कसमा डाले। हाँ जलाओ इसके दोनों हाथों में तेज से आग लगाओ। छोड़ दो बोल दे फिर बोल दे। हाँ बोल दुश्मनी बोल, बोलता मेरे पास टाइम नहीं स्पीड में बोल। हाँ हाँ बोलता, हाँ जल्दी बोलता बोलता, चलाओ 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 तेज चलाओ। हाँ क्या दुश्मनी? हाँ हाँ कौन कर रहा था, कौन कर रहा, नाम बोल उसको मुझे। मेरे बोला ना इनका क्या नाम है पेशेंट नाजिमा अभी पे जादू कौन करा, नाम बोल उसका जल्दी। नाम नहीं, कौन करा नाजिमा पे जादू, कौन करा, कौन जल्दी बोलने तो पूरा ना जलाओ उसके अंदर से आग लगाओ तेज से। बता रहा दुश्मनी खुद ब खुद आया था, कोई लाके छोड़े थे नहीं। हाँ नहीं।
कौन ला के छोड़ा था? नहीं। कौन ला के छोड़ा था? खुद ब खुद आया था? नहीं। सुनने नहीं आ रहा मुझे? नहीं नहीं क्या है ये? हाँ सवाल का जवाब दे। छोड़ना नहीं छोड़ना तुझे अभी? नहीं छोड़ने का? नहीं। जकड़ो इसको, छोड़ो मत, बोरा नहीं और तेज जकड़ लो उसको। छोड़ दो पता था, छोड़ दो। पहले नाम बोल फिर छोड़ दो। पहले नाम बोल, छोड़ दो। पहले सारी दास्तान छोड़ दो। हाँ बोल, छोड़ दो। हाँ बोल, छोड़ दो। हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ चल बोल। इतर लगा नाक में, खांदों पे पीट रहे, दम करा के लेके। हाँ चल बोल रहा, टाइम नहीं है मेरे पास, तू जितना लेट करके हम उतना मार के तेरे हाथ काट के बसम करा दूंगा। चलो जकड़ लो इसके हाथों को, तीस देर बुलाओ बाहर से, इसके हाथ काट के ले लेने वालों को। जब मेरे सवाल के जवाब दिया तो उसको छोड़ना, जब तक नहीं छोड़ना इसको। छोड़ दो, माफी छोड़ो मत उसको, और जकड़ के रखो तेरी से। ऐसा बोला था, देखो नाम मत बोल बोल के। हाँ ऐसा बोला हो जा, तू करने नाम नहीं बताना बोल के। उस आज तू उसकी वफादारी कर रहा, दुश्मनी भी मत बताओ बोला हमने। क्या पूछा मैं जवाब? क्या? चल एक मौका दे रहा था, एक मैं चल अभी तो मैं नाम नहीं पूछूंगा उसका, दूसरी चक्कर में सब उसका नाम वाम याद कर क्या सुनाना। कौन डाला था, तू कहाँ से आया था, कितने लोगों को मारा, कितों को नहीं मारा, कितों को मारने वाला है, इसको कब मारने वाला है, अम्मा इसने पुन्नम में शमशान से आया था, कब्रस्तान से आया था, क्या दास्तान थी, सारा बयान करना। समझ गया? जवाब दे जल्दी, हाँ या ना। मौका देने का कि अभी मार मार के डालू तेरे को जमीन में, हो रही जल्दी बोल। क्या है बस, वो जबान से बोल, माफी मांग रहा। हाँ माफी मांग रहा, पहले तो बहुत बड़े बड़े बात करता था, बोलते कहीं जाता नहीं मैं, सबके साथ कबड्डिया खेलता, बताना थे कितनी कबड्डी खेलने की ताकत। और एक क्या बोलता था पहले, वो पहले बोलता था वो मार के डाल दे तू, बड़ा था ले जा तू बोलता था, एक बार मार के डाल दिया था वो बेश करके, डरता नहीं था हाँ, किससे डरता था। और कितना ही बड़ा रंधे बोला था तू, अब कैसे पामा पड़ रहा है यहाँ पे? कहाँ झुक गया, कैसा झुक गया, देखा तो कैसी ताकत है अल्लाह कलाम की। तो जा और दूसरे चक्कर तक मैं सब याद करके आके सुनाना, कौन डाले थे, कहाँ से लाए थे, क्या है।
जब तक दूसरे चक्कर तक उसकी नस नस में की दवा निकाल के बाहर फेंकने की तैयारियां करेंगे, और नहीं अगर सुनेगा तो फिर तो धक्का सा मारूंगा तेरे को और उससे ज्यादा, समझ गा? ना ला चल भाग। क्या क्या अंदर रहे इसमें अजाब भी नहीं, माफ करूंगा मैं, माफ तुझे कब करूंगा जब तू तो आके सब नामा भी मैं सुनूंगा सारी दास्तान फिर उसके बाद में, समझ गया ना? चल अब जा आओ नाजमा भी पानी पियो, जल्दी लो पानी पियो। ऐसा जा बोलने से जाता नहीं हूँ, ये अलग कसम का सुन लिया ना, लाके दारे से फोन लाके दारे क्या लग दारे और भी तुमने पता क्या नाम बोला उन्होंने? फकीर। कौन है वो? इनके चीचा हमारा चीचा वाला ये मामू है हमारे। क्या दुश्मनी तुम्हारी? दुश्मनी वो जितने ना कि पीछे भी ऐसा छुआ था तो पीछे भी बोली मैं तीन दिन ही छूंगा जी, मैंने बताया था दूसरे को, तो आप हमारे भांजे ने बोला वो ग्रुप ट्रुप देखा बोले तो आप यहाँ लेके चलेंगे, तो मैंने फौरन लेके आ गया, तो अभी भी दो मैं बोले दो तीन दिन जो बोले पाए उन्हें बोला सीधा कि मैं तेरे बेटी को लेके जाता, सीधा डायरेक्ट बोला उन्हें बेटी को लेके जाते। दुश्मनी क्या है वो पूछ रहे थे? हाँ दुश्मनी क्या झगड़े चल रहे हैं? कुछ भी नहीं, इनकी बातचीत नहीं थी। करो खैर अब जैसा भी अल्लाह करम से वो करो, और कुरान इबादत नमाज की रस्सी को मजबूती से थाम के रखना, इबादत भी करना नमाज भी पढ़ना कुरान भी, तो इससे ये होता कि तुम्हारी हिफाजत भी महफूज रहते, और दूसरी बात नहीं इबादत करेंगे तो ये इस चीज़ों में ज़्यादा झुलस जाते फिर, अगर पहले से इबादत करते रहे तो अल्लाह फिर मैं अल्लाह निगेबान है तो फिर तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसी दास्तान रहती। और सबसे अहम कैमरा वाले इधर तैयार सामने से, और सबसे अहम ऐसा रहता कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, सूरह यासीन पढ़ना, सूरह रहमान पढ़ना, सूरह मुज़म्मिल, सूरह इन जो भी सूरह बकरा घर में पढ़ाते जाना 40 दिन तक। आजकल तो इतनी फैसिलिटी हुई तुम्हारे मोबाइल में पूरी दुनिया समागे वाली है ना, बोले अल्लाह था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि क़यामत के अन करीब बच्चा बच्चा अपने जेब में दुनिया लेके फिरेगा, तो हो गई ना तुम्हारे जेब में दुनिया है, मोबाइल मोबाइल में, इंटरनेट इंटरनेट में। अब तुम्हारी इतनी फैसिलिटी है कि तुम बटन मारते हर चीज हाजिर है, तो याद करो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो बजाओ सुनो, सुनने के बाद में सुनो, सुनने के बाद में क्या बोलते तो कि जैसे अमल करेंगे जैसे तरीके से वैसी तुमको सब तरीकों से अल्लाह करके महफूज रहेंगे, नहीं तो दुआ मोमिन के लिए हथियार रखे लिए अल्लाह ने हर चीज़ की दुआ याद रखना, तरीकों से सब अमल करना जैसी दस्तान चीज़ों, जब तुम अमल सब करेंगे तो राइट रहेंगे, नहीं तो फिर कहाँ से। और भी बहुत सारी बातें हैं खैर कहने सुनने के बाद, अल्लाह तुम लोगों से कामिल कमी कर दिया, नमाज की रस्सी को मजबूत इस्तेमाल के रखना इबादत और नमाज, ये तुम्हारी ढाल है सबसे अहम और मेन। और इसे जादू टोने एक दूसरे के ऊपर नहीं करना, बहुत बुरी बात है, पलट गया तो तुम्हारे लोगों पे जाता, और गया जिसने करा उस पर जाता हुआ, फिर बाद में बहुत बुरा हाल हो जाता उसका वो, खैर क्योंकि तुम लोगों को कुछ ही चीज नहीं है, क्या मनमाना चल रही है, क्या बोलने को बोलने वाले बात है, इसलिए ऐसा नहीं करना। लायर अहमद लोम लायर अहमद नासिम, चलो ठीक है रोक दो।